शेख जुई, रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस दौरान वो बोले कि जब ओलंपिक को भारतीय सेना ने मिशन के रूप में लिया तो उससे भारत के लिए बहुत बेहतरीन नतीजा आए। अगर सेना को राज्य का दर्जा अगर दिया जाए तो अब तक राज्यों के अंदर आजादी से लेकर अब तक जितने पदक जीते गए उसमें सेना का सबसे आगे नंबर आएगा। करोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। करोड़ीलाल मीणा बोले कि गहलोत सहित कांग्रेस नेता मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। मीणा आगे बोले कि बकवोट की संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कानून में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। बकवोट पर जो बिल संसद में आने वाला है उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सलमान खुर्शीद समेत कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुस्लिम को भड़का रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। जयपुर के ऐतिहासिक रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल को चूहों के आतंक और खतरे से मुक्त कराने के लिए 2 दिवसीय अभियान सोमवार को शुरू हुआ। अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में चूहों की संख्या अत्यधिक भी बढ़ गई है और उन्होंने बाग की जमीन को खोद दिया है, जिससे यहाँ स्थित अल्बर्ट हॉल भवन प्रभावित हो रहा है। जेडीए की टीम ने इस पूरे इलाके को चूहों से मुक्त कराने के लिए 2 दिवसीय अभियान सोमवार सुबह शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल बाग में स्थित अन्य स्थल सोमवार और मंगलवार 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। राजस्थान में कोटा विकास प्राधिकरण ने बूंदी में पूर्व महाराज सूरजमल हाड़ा की छतरी को तोड़ दिया। इसके बाद से राजपूत समाज आक्रोशित है और लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस कड़ी में करनी सेना के कार्यकर्ता भी पूरी तरह सक्रिय दिख रहे हैं। समाज का कहना है कि अगर सरकार छतरी दोबारा नहीं बनाती तो 8 अक्टूबर को हजारों की संख्या में पहुंचकर राजपूत खुद छतरी का निर्माण करेंगे। इसका लेकर अब करनी सेना अध्यक्ष सूरज पल अम्मू का भी बड़ा बयान आया है। सूरज पल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा, मैं राजस्थान सरकार के उस कठपुतली मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि जुम्मा 4 दिन पहले मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन को मत भूलना जब आप सूरज पाल की गाड़ी में पीछे बैठा करते थे। अगर राजपूती सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, राजा के ऐतिहासिक छतरी को तोड़ा गया या इतिहास को छेड़ा गया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उदयपुर के गोगुंदा में तेंदुए का आतंक अभी भी जारी है। आदमखोर पैंथर के हमले से 10 दिनों में 6 लोगों को मौत हो चुकी है। सोमवार को पैंथर गोगुंदा के पास मंदिर के पुजारी विष्णु को उठाकर जंगल में ले गया। मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर विष्णु महाराज का शव मिला। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा 11 टीम बनाई गई जो अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हो चुकी है। वही वन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि अकेले घरों से बाहर नहीं निकले। इंदिरा गांधी नहर रेगुलेशन कमेटी की बैठक आज हनुमानगढ़ जंक्शन के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में आयोजित हुई। कार्यवाहक मुख्य अभियंता प्रदीप की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बाड़मेर और श्रीगंगानगर सांसदों के अलावा 6 विधायकों ने भाग लिया। बैठक में शामिल 6 जिलों के सांसदों और विधायकों ने अक्टूबर महीने में 4 में से 2 समूह में पानी चलाने की मांग रखी, जिस पर मुख्य अभियंता ने पानी की कमी का हवाला देते हुए अक्टूबर महीने में 3 में से 1 समूह में पानी चलाने की बात कही। इस पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अक्टूबर महीने में कम पानी मिलने से फसल बर्बाद हो जाएगी। जिले में बॉर्डर इलाकों से आ रही नशों की तस्करी के खिलाफ रोटरैक्ट क्लब पिंक के नेतृत्व में जिला भर के शिक्षण संस्थानों में अवेयरनेस क्लब का आयोजन किया गया। सोमवार को हनुमानगढ़ के एक निजी महाविद्यालय में नशों के खिलाफ सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कई अतिथियों ने मिलकर किया। दिल्ली की खराब सड़कों को ठीक कराने के लिए सरकार ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम चल रहा है। खुद सीएम आतिशी ने कई महत्वपूर्ण सड़कों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के बाद कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि महीने भर में शहर में पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों को जरूरत के अनुसार युद्ध स्तर पर रिपेयर किया जाए। हमारा प्रयास है कि अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दीपावली तक सभी दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त सड़कें मिले। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए सोमवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि भारत से मोहब्बत करती है और बीजेपी जैसी विनाशकारी ताकत से देश को मुक्त कराने के प्रयास से बड़ी देशभक्ति कुछ नहीं है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के चंगुल से देश को आजाद कराना कांग्रेस का लक्ष्य है। बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जम्मू कश्मीर में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को सोमवार को अत्यंत खराब और अपमानजनक करार दिया था।
द्रौपदी मंदिर लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कम से कम देवताओं को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने सबूत मांगते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को इस दावे पर सवाल उठाया कि द्रौपदी मंदिर के लड्डू बनाने में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। न्यायमूर्ति बी आर गवाई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथ की पीठ ने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित दावा 28 सितंबर को किया, जबकि मामले ने प्राथमिक 25 सितंबर को दर्ज की गई और एसआईटी का गठन 26 सितंबर को किया गया। पीठ ने कहा, एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी के लिए सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान देना उचित नहीं है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सब फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।